नारायण का चुनाव की बात कहीं ना कहीं करा रहा हूँ। अभी आचार संहिता है तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि अभी बीजेपी के लोग बैठे हुए खड़े हुए हैं कि मैं कुछ कह दूं तो आचार संहिता का उल्लंघन करें। हमने 8-10 वोट आते हमने करके सब हाथ के बन जाने वोट देंगे। चिंता मत करना अम्मा, केंद्र सरकार कांग्रेस की बनेगी, सब गरीबों का उद्धार राहुल गांधी और मैं मिलकर करूँ। ठीक है, राहुल जी की यही सोच विचार है, गरीब स्वस्थ होगा, गरीब मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। ये जो चौकीदार वौकीदार कहते हैं ना, तो खाली अमीरों के लिए चौकीदार है, गरीबों के लिए चौकीदार नहीं है। क्या रानी क्या कर रही हो तुम, पढ़ाई वढ़ाई हो गई तुम्हारी? 5वीं तक पढ़ी है। तो फिर उसके बाद क्यों नहीं पढ़ी तुम? परेशानी है। रानी को मैं थोड़ा प्रशिक्षण दिलवाऊंगा। जी रानी को क्या उम्र होगी रानी तुम्हारी? 25 साल हो गए। मतलब सामान बेचने में कोई उपभोक्ता आएगा तो बिकवा दोगी ना सामान उसको? तो रानी को भेजो तुम, वो जो गुना में मैंने वो प्रशिक्षण केंद्र बनाया ना गेल और ILFS का, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे आगे अपने जीवन को करना और फिर नौकरी दिया जाता है, तो रानी को उसमें भेजो। ठीक है, अपना पता रानी और अपना फोन है तुम्हारा? मैं वहां जाता हूँ मंदिर में। हाँ, तो जिसका रानी का नंबर वंबर लेके प्रशिक्षण केंद्र में हम लोग। मेरी डायरी से नानी बनती है उड़ते हाँ डायरी पूरी पेंशन नहीं बनी। अरे नहीं बनती है, बनाते नहीं है। अब सरकार हमारी बन गई, अब दोबारा मैं कुछ नहीं कह सकता कि कहेंगे आचार संहिता का। ठीक है, चिंता मत करना। हाँ, और रानी को मैं प्रशिक्षण के लिए भेजूंगा चुनाव के बाद। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अपना ख्याल रखना। अच्छा लगा दोनों से मिलकर। किया है जो बमोरी को हमने, जिस जमीन में खोद कर आपने और हमने बीज बोया है, जिस जमीन को आपने और हमने मिलकर खाद दिया है, पानी दिया है, जिस जमीन को हमने छाया दिया है, आज वो वट वृक्ष तैयार होकर जब उभर रहा है तो भाजपा के नेता उसके नीचे छाया लेने आ रहे हैं। 15 साल कोई सरकारी खजाने पर पहला हक किसानों का होगा। 2,00,000 करोड़ का कर्जा है लेकिन फिर भी 40,000 करोड़ का हमने माफ करके दिया है किसानों का कर्जा। अब चुनाव हमारे सामने है, आपको मालूम है आपको क्या करना है, लेकिन इस बार मुझे उत्तर प्रदेश में राहुल जी ने रखा है, शिवराज सिंह जी के बाद मुझे योगी जी और आपका योद्धा वहां लड़ रहा है, यहां कौन लड़ेगा? अभी होश से मुझे जवाब मिला, जरा जोश से मुझे जवाब दो, कौन लड़ेगा? और ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई किसान की खुशहाली की लड़ाई है, ये लड़ाई नौजवान की लड़ाई है, ये लड़ाई महिलाओं के लिए लड़ाई है, ये लड़ाई ये जुमलेबाजों को सिंहासन से उतार कर जमीन पर लाने की लड़ाई है। 6 काम आपको करना है,